हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ए केमिस्ट्री स्टूडेंट। आज हम सब केमिस्ट्री लैब इक्विपमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैलेंस, ठीक है, इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होता है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग वेट। इसमें क्या होता है, वेइंग बॉटल में जो भी हमको कंपाउंड या सॉल्ट मेजरमेंट करना होता है उसको इस पर रख के हम मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये आपका वेइंग मशीन हो गया। तो सेकेंड आपका है बीकर। बीकर बहुत से साइज़ के आते हैं, इसका यूज जो होता है लिक्विड्स को रखने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार जैसा होता है आपका एक्सपेरिमेंट उसमें इसको यूज़ करते हैं, फॉर वाटर, फॉर एनी केमिकल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका है बर्नर। ये बर्नर हम इसकी यूज़ करते हैं आपका किसी भी टेस्ट ट्यूब को हीट करने के लिए, कोई केमिकल उसमें रख के हीट करने, जिससे हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, एम होता है, उसके अकॉर्डिंग इसका यूज़ होता है फॉर हीटिंग, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूरेट। ब्यूरेट का यूज़ आप लोग जैसा कि जानते होंगे, किसी भी ज़्यादातर हम टाइट्रेशन में इसका यूज़ करते हैं, या फिर किसी भी हमको केमिकल्स को मेज़र करना होता है, 50 ml, 20 ml, तो इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है क्ले ट्रायंगल। क्ले ट्रायंगल जो ये है, इसका हम यूज़ वहाँ करते हैं जब हम किसी भी ट्राइपॉड का यूज़ करते हैं, बर्नर के ऊपर रख ट्राइपॉड रखते हैं, उसके ऊपर इसको रखते हैं। इसका यूज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, यूज टू होल्ड अ क्रूबिसल वाइल द क्रूबिसल इज हीटेड। किसी भी क्रूबिसल को हीट करने के लिए इसको हम ट्राइपॉड के ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर क्रूबिसल को रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है क्रूबिसल एंड कवर। ये क्रूबिसल एंड कवर है, यूज़ टू होल्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल्स ड्यूरिंग हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में है टोंग्स। ये टोंग्स का यूज़ क्या होता है, देखिए टोंग्स ये होता है आपका, जैसा कि आप देख रहे हो फिगर में, टोंग्स। टोंग्स का होता है, जहाँ तक जानते हो आप, किसी भी क्रूबिसल को होल्ड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है आपका ये ड्रॉपर। दिस इज़ द ड्रॉपर, ये ड्रॉपर है, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है, बेसिकली ड्रॉपर का यूज़ जैसे हम टाइटेशन में किसी भी इंडिकेटर को डालना होता है, इस ड्रॉपर के हेल्प से हम इंडिकेटर को डालते हैं, 2 या 3 ड्रॉप जितना भी डालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है ये फ्लास्क। दिस इज़ द, इसको हम कोनिकल फ्लास्क भी कहते हैं, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क ये इसको कहते हैं। इसका ज़्यादातर यूज टाइट्रेशन में होता है, इसमें जो भी उसको टाइट्रेशन में लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उस पर ब्यूरेट से जो भी केमिकल्स होते हैं डाल के इसको अपना सेक करते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पे इसका यूज लिखा, यूज टू होल्ड लिक्विड्स, हैज़ नैरो नेक टू प्रिवेंट स्प्लैशेस। नेक्स्ट हमारे पास में है ये आपका डिस्क, इवेपोरेटिंग डिस्क, इसको हम चाइना डिस्क भी कहते हैं। इसका यूज़ क्या है, लिक्विड्स आर हीटेड ओवर अ फ्लेम सो डैट दे इवेपोरेट लिविंग अ सॉलिड रेसिड्यू, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में है फिल्टर पेपर। दिस इज़ द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर जानते हैं हम, किसी भी केमिकल से या फिर किसी भी अगर क्रिस्टलाइजेशन करते हैं उसमें हम इस क्रिस्टल को फिल्टर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे इसके यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास पे ये फॉरसेप्स। फॉरसेप्स को हम चिमटी भी कहते हैं, यूज टू पिक अप और होल्ड स्मॉल आइटम, किसी भी स्मॉल आइटम्स को उठाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं चिमटी का। नेक्स्ट हमारे पास में फ्यूम हुड। फ्यूम हुड का यूज़ आपका बेसिकली होता है, यूज टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम एक्सपोजर टू हजार्डियस फ्यूम्स फ्रॉम केमिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास में फनल। फनल फनल का यूज आप जानते हो, किसी भी चीज़ को जैसे ब्यूरेट में हम किसी केमिकल डालना है तो फनल का हेल्प से डालते हैं, फॉर पोरिंग लिक्विड और अदर सब्सटेंस थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग। नेक्स्ट हमारे पास में गॉगल्स होता है, जैसे सेफ्टी गॉगल्स होता है, जैसे कि हम केमिकल केमिस्ट्री लैब में इसका यूज़ करते हैं, इसको पहन कर ही हम काम करते हैं, फॉर द सेफ्टी, फॉर आवर सेफ्टी ओनली। नेक्स्ट हमारे पास पे है, दिस इज़ द ग्रेजुएट सिलेंडर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ठीक है। एक्यूरेटली मेजर्स लिक्विड वॉल्यूम्स, ठीक है, ये किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम्स के एक्यूरेटली मेजर करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है, इस सिलेंडर का। नेक्स्ट हमारे पास पे है हॉट प्लेट या स्टीयर प्लेट। इसका यूज़ होता है आपका, यूज टू हीट एंड स्टेयर सब्सटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है मोर्टार एंड पेस्टल्स। इसका यूज़ होता है, यूज टू
ग्रिंड अप मटेरियल, किसी भी अगर केमिकल कोई भी हमारे पास में अगर सॉल्ट है या फिर कंपाउंड है, अगर वो टुकड़े के फॉर्म में है तो उसको हमको बारीक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, इसमें रख करके उसको पीट करके उसको पतला करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है पीपेट बल्ब, दिस इज द पीपेट बल्ब, ठीक है। पीपेट बल्ब यूज टू पुल लिक्विड अप इन टू अ पीपेट, किसी पीपेट में लिक्विड को पुल करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में है क्लैंप, यह रिंग क्लैंप है, जब स्टैंड में इसको लगाते हैं उसके बाद उसमें बीरेट को हम सेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ यूज विथ रिंग स्टैंड टू होल्ड अ ग्लास कंटेनर। नेक्स्ट हमारे पास पे है रिंग स्टैंड, रिंग स्टैंड है, ठीक है, ये स्टैंड है जिसमें हम लगाते हैं आपका क्लैंप लगा कर बीरेट वगैरह इसमें लगाते हैं। होल्ड फनल्स वायर गॉज एबव टेबल। नेक्स्ट हमारे पास में है रबर स्टॉपर, ये रबर स्टॉपर है, ठीक है, यूज टू कवर एंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब्स एंड फ्लास्क। नेक्स्ट हमारे पास है स्पैचुला, ये स्पैचुला है, स्पैचुला का यूज़ हम करते हैं, स्मॉल स्कूप यूज फॉर ट्रांसफर पाउडर एंड क्रिस्टल केमिकल्स, ठीक है, जब कोई भी आपका क्रिस्टल या फिर कोई भी सॉल्ट जब बारीकी होता है तो हम इसको स्पैचुला के हेल्प से उसको किसी भी चीज़ में अगर ट्रांसफ़र करना, फॉर एग्जाम्पल हमारे वेइंग बॉटल में ट्रांसफ़र करना होता है तो इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है स्पॉट प्लेट, ये स्पॉट प्लेट है आपका, ठीक है, ए फ्लैट प्लेट विथ मल्टीपल वेल्स यूज एज स्मॉल टेस्ट ट्यूब, एज ए स्मॉल टेस्ट ट्यूब के रूप में इसका यूज़ करा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है स्टेयरिंग रॉड का होता है यूज फॉर स्टेयरिंग, जैसे मान लीजिए हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं, किसी बीकर या किसी भी कंटेनर में कोई लिक्विड या जो भी है तो उसमें हम कोई सॉल्ट ऊपर डालते हैं तो उसको मिलाने के लिए स्टेयरिंग इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है स्ट्राइकर, दिस इज यूज टू लाइट बर्नर, बर्नर को क्या करना है, लाइट करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में टेस्ट ट्यूब, जैसा कि इसके सबको इससे वाकिफ होगा, टेस्ट ट्यूब क्या, ओपन ट्यूब यूज टू होल्ड लिक्विड को होल्ड करने के लिए यूज़ करा जाता है, ज़्यादातर इसका हम जब सॉल्ट टेस्टिंग में करते हैं तो इसका यूज़ ज़्यादा वहाँ होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में है टेस्ट ट्यूब क्लैंप, ये टेस्ट ट्यूब क्लैंप है, इसमें टेस्ट ट्यूब को होल्ड करा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में टेस्ट ट्यूब रैक, इसमें टेस्ट ट्यूब को रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में थर्मामीटर को भी जानते हैं आप लोग, फॉर द टेम्परेचर मेजरमेंट इन सेल्सियस। नेक्स्ट हमारे पास में है यूटिलिटी क्लैंप क्या होता है, यूज टू होल्ड लेबोरेटरी ग्लासवेयर, इसको लेबोरेटरी में यूज़ करा जाता है होल्ड करने के लिए, ठीक है, ये इस एक विशेष प्रकार का आपका क्लैंप होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फ्लास्क भी कहीं कहीं कहते हैं, फॉर मेकिंग अप सॉल्यूशन टू अननोन वॉल्यूम, जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट करते हैं अगर उसमें हमको बनाना होता है नोन वॉल्यूम वाले एक सॉल्यूशन तो हम इसमें ये वो आपको बनाते हैं, हम किस में वो हम बनाते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या फिर स्टैंडर्ड फ्लास्क, ठीक है। ये बहुत सारे अपना उस वॉल्यूम के होते, जैसे 100 का भी होता है, 500 का भी होता है, 250 का भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है वॉल्यूमेट्रिक पीपेट भी आप ज़्यादा देखे ही होंगे, जैसे ये होता है मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड एक्यूरेटली, अगर किसी भी लिक्विड को हमें मेजर करना होता है स्मॉल अमाउंट में, फॉर एग्जाम्पल 10 ml, तो हम पीपेट आउट करके मेजर करते हैं पीपेट से। नेक्स्ट हमारे पास में वॉश बॉटल जानते ही हो आप लोग, यूज टू रिंज वेरियस पीसेज ऑफ लेबोरेटरी ग्लासवेयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में वॉच ग्लास टू होल्ड सॉलिड वाइल बींग वेटेड और एज अ कवर फॉर बीकर, ठीक है, ये इसका यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट ये हमारा वॉच ग्लास होता है। नेक्स्ट हमारे पास में वेइंग पेपर क्या होता है, यूज फॉर वेइंग एंड ट्रांसफरिंग पावर्स एंड क्रिस्टल, आई थिंक यहाँ पाउडर या क्रिस्टल को ट्रांसफर करने के लिए होता है, इसका यूज करा। नेक्स्ट हमारे पास में वायर गॉज ये होता है यूज टू सपोर्ट अ कंटेनर सच एज अ बीकर और फ्लास्क ड्यूरिंग हीटिंग, जब हम किसी भी ट्राइपॉड पर नीचे बर्नर होता है, जब किसी भी चीज़ को हमें हीट करना, कंटेनर को हीट करना होता है, सबसे पहले उसमें रखते हैं वायर गॉज को, उसके बाद में हम हीट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ओके फ्रेंड्स।